सरकार हो गई अपने घर में, मोदी सरकार पंजाब की है ही नहीं। अगर होती तो पंजाब वालों को सुनती नहीं, कोई बच्चा काम वास्ते नहीं है, कोई जो उन्होंने नौकरी नहीं मिली, कोई चीज नहीं मिली, नौकरी के बजाय नशे बहुत दिए हैं सरकार ने सभी को। मोदी को एक चेतावनी देने आए हैं कि आने वाले समय में हम आपका वोटों में भी, आपकी वोट के चोट में भी आपका मुकाबला करेंगे, और कि आपकी जो कारपोरेट लूट आपने मचा रखी है उसका मैदान पे भी, सड़क के भी आपका मुकाबला करेंगे। 400 पार नहीं, आपकी बार तो जीरो होगा। मोदी हम बोले हैं वोट की चोट पर इसे जवाब देंगे। नमस्कार, मैं ऊर्जा और आप देख रहे हैं जनित आवाज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के रामलीला मैदान में। अगर हम बात करें किसानों की तो किसान जो है वो दिल्ली पहुंच चुके हैं, और उसके बाद यहाँ पे हमारे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं, तो सीधे तौर पर इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर क्या कहेंगे? हम यहाँ आज कोई आंदोलन लड़ने नहीं आए, आज महापंचायत हो रही है मजदूरों और किसानों की, और जो लाखों का इकट्ठा यहाँ बिना संघर्ष की आवाज़ से आया हुआ है, ये मोदी को एक चेतावनी देने आए हैं कि आने वाले समय में हम आपका वोटों में भी, आपकी वोट के चोट में भी आपका मुकाबला करेंगे, और कि आपकी जो कारपोरेट लूट आपने मचा रखी है उसका मैदान पे भी, सड़क के भी आपका मुकाबला करेंगे। ये मजदूर संगठन आई हुई है, हमारी मांगे हैं कि इन मजदूरों का जो कर्ज चढ़ गया है बेरोजगारी के कारण, इनको रोजगार नहीं पंजाब में मिल रहा, इसलिए इन्होंने फाइनेंस कंपनियों से कर्जा जो उठा लिया है और उनसे वापस नहीं हो रहा, इनका सामान उठा रहे हैं फाइनेंस कंपनियां वाले। देख सकते हैं किस तरीके से ये मजदूर संगठन आए हुए हैं, जो कर्जा जो चढ़ा हुआ है उसको लेके, अपनी मांग को लेके आए हुए हैं। हाँ, एक ही मांग नहीं है, हम पक्का रोजगार चाहते हैं मजदूरों के लिए, और कर्जा माफी चाहते हैं, और दूसरा कम से कम 700 रुपया दिहाड़ी चाहते हैं मजदूरों के लिए। अभी कितनी मिलती है आप लोगों को? आप पंजाब में 200-250, इन औरतों को 200-250 से ज़्यादा नहीं मिलती, और मर्दों प्रतिदिन, और सारा महीना नहीं काम मिलता, किसी महीने में 15 दिन, किसी महीने में 20 दिन काम मिलता है, 250 से रुपया ज़्यादा इनको मिलता है। सोचिए 250 प्रतिदिन मिलता है, जिसमें गुजारा जो लोग 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 में नहीं कर पाते, तो 250 प्रतिदिन में कैसे होगा। यहाँ पे हमारे साथ महिलाएं मौजूद हैं, इन्हीं से बातचीत करते हैं। मैम क्या कहेंगी, कहाँ से आई हैं आप? हम फतेहगढ़ चूड़िया से हैं मैम जी। क्या मांग आपको? 250 प्रतिदिन मिलता है, उसके बाद काम भी नहीं मिलता, तो घर कैसे चलता है? सानू कोई दिहाड़ी भी नहीं मिलती, कुछ नहीं सानू सरकार तो मिलता, असी कर्जा चुक चुक के अपना टाइम पास कर रहे हैं। हुण जिहड़े फाइनेंस कंपनियां वाले आ, वह भी सानू आण के तंग कर रहे, साडा समान चुकदे आ, सानू आण के एक धमकियां देंदे, एक तुहाडे केस पा देंगे। असी कहिंदे आ कि साडे, मतलब जिहड़े जो साडे ते कर्जा चढ़िया वा, साडे सरकार जिहड़े साडे लावे। मैम कितनी उम्र है आपकी? 70। अब सोचिए 70 साल की महिला, मतलब सोचिए इतनी कड़ी धूप है, जहाँ लोग एसी में बैठे हुए हैं वहाँ पे ये लोग इतनी कड़ी धूप में रामलीला मैदान में आके जो प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, और सरकार जो है वो रैलियों में व्यस्त है, तो क्या कहेंगे? क्या आपको क्या कदम उठाने पड़ रहे हैं, यहाँ पे आना पड़ रहा है, उसके बाद भी सरकार नहीं सुन रही है? सरकार सारी जनता नहीं सुन रही बात, अही चाहते सब जनता नहीं सुनी, जो खेतीबाड़ी करते इन्नी धुप्प दे विच मरना वा, तो मोदी साडा गला घुटन दिया, गाड़ी साडे बच्चों का घुटन दिया, पिछे साडा कोई कर्जा माफ़ नहीं, कोई सानू पेंशन नहीं मिलती, कोई साडा अपना कोई ना कोई विचों बहाना लभ लेंदे आ। जे अपना हाड़ आया ही रड़े दे विच हुशियारपुर च, साडी सारी खेती खराब हो गई आ, सानू एक पैसा भी नहीं मिलया, एक भी फार्म भर के दिते कोई सानू नहीं मिलया, ताडा नुकसान होया। मैम क्या कहेंगे आप? कह रहे हैं कर्जा माफ नहीं कर रहे, लेकिन राशन दे दिया है मोदी सरकार, राशन भी नहीं दे रहे। मोदी सरकार हो गई अपने घर में, मोदी सरकार पंजाब की है ही नहीं। अगर होती तो पंजाब वालों को सुनती नहीं, कुछ ना राशन मिलता ना दिहाड़ी बोरी मिलती है, ठीक है तो कर्जा है वो पूरा चढ़ा हुआ है, तो ऐसे में घर कैसे चलाते हैं आप? मैम ऐसे ही एक टाइम खा लेते हैं और एक टाइम भूखे सोते हैं। फाइनेंस कंपनियां तो कर्जा लेके वो भी हुण साडा समान चुकन डए, वो भी साडा समान चुकन डए, बस बहुत बीती करते, बहुत ज्यादा लंबी बीती करते, कोई बच्चा काम वास्ते नहीं है, बच्चे भी नशे च लग गए, कोई जो उन्होंने नौकरी नहीं मिली, कोई चीज नहीं मिली, वो भी नशे। नौकरी के वादे तो सरकार ने इतने करे हैं, लेकिन आप लोग जो हकीकत बता रहे हैं कि नौकरी
तक नहीं मिली है, कुछ नहीं मिले, कोई की चीज नहीं मिली, जड़ी कोई दाने दी नहीं, कोई नशे बहुत दिया है सरकार ने सभी को, हर घर में एक या दो आपको जरूर आदमी मिलेंगे जो नशा करते होंगे, औरत है जो की मजबूर होकर लोन चुकती है, लोन उठाती है, दो तीन किस्तें जाती है पर बाद में किस्तें बंद हो जाती है, अभी फाइनेंस कंपनियां जो है की धमकियां दे रही है, हम आपका घर का सारी करियर खराब कर देंगे, बच्चों का दाखिला नहीं होने देंगे। आप लोग यहाँ पे आएंगे मतलब क्या लग रहा है, सरकार सुनेगी आप लोगों की? बहुत औखे होके अही आए हैं, बह बह के आए, धक्के खा खा आए हैं, तो साड़ी यो बेनती है, मजबूर है, इतने बैठे सारे जेडे आन के यहाँ गोडे लत्तां भी नहीं तुरन दे, बहुत औखे होके आए। सोचिए महिलाएं किस तरीके से अपना दर्द बता रही है कि अगर काम नहीं मिलता तो एक साइड भूखा रहना पड़ता है, लेकिन सरकार जो है वो सुन नहीं रही है। सर क्या कहेंगे इस पे आप लोग, मतलब आगे कितना बड़ा आंदोलन करने वाले हैं? फिर इससे भी बड़े आंदोलन हो गए, जब ये लोग मजदूर लोग हैं जब सड़कों पर आए तो मोदी का तख्त जो हिला के रख देंगे, क्योंकि पिछले 76 सालों से इन्हों लोगों ने साढ़े गरीब लोगों से मजदूरों से किरतियों से कब्जा किया होया है, और इन्हों दबा के ते 5 रुपये किलो वाली कणक के नाँ के उत्ते वोट दे अपने साड़ी दे एक नाँ के उत्ते फ्री सिलेंडर के नाँ के उत्ते इन्हों को वोटा बटोरिया जा रही ने, नशिया के वंड वंड के लोगों को वोटा बटोरिया जा रही हैं। इनकी सरकार में किसान परेशान, मजदूर परेशान, महिलाएं परेशान, सब परेशान है, तो ये कैसे कहती है कि 400 पार? 400 पार नहीं, अब की बार तो 0 होगा। मोदी हाँ बोले हैं वोट की चोट पर इसे जवाब देंगे हम लोग, जो मजदूर सड़कों पर जब आ जाते हैं ना अपने इतने, जब औरतें महिलाएँ आती हैं तो अपना जब प्रदर्शन करती है, तो मोदी को समझ आना चाहिए कि मोदी के दिन बहुत कम है। इसकी प्रदर्शन करने से कोई नतीजा या हल निकलता हुआ दिख रहा है आप लोगों को? क्योंकि जितनी देर EVM जो है वो खत्म नहीं होता, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, मानजो सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि EVM के राही जी वोट बंद होनी चाहिए, बैलट पेपर राही वोट पवे, आ लोग वोटा पाउन तो फिर मोदी को पता लगे भी मोदी मोदी किन्निया वोटा ना जितता है, किस तरह 400 तो पार ला के वोटा पाने चाहता है, असी मोर ला के वोटा पाने चाहते हैं, असी मशीन वोटा नहीं पाने चाहते। लाखों का जो इकट्ठ है आज, ये भी मोदी को समझना चाहिए भाई, ये गांव-गांव में जाएंगे लोग, ये यहाँ घर जाके बैठेंगे नहीं, ये औरतें नहीं बैठेंगी जाके, ये विरोध मोदी के विरोध में एक वेव पैदा करेंगी गांव-गांव जाके। छोटा सा बच्चा है, मर्जी आए मोदी नहीं, छोटे छोटे बच्चे लेकर महिलाएं आई हुई है, 2 साल का बच्चा है, आप ये क्या सोच रहे होंगे? देखो जे घर में सुखा होवे, घर में राशन होवे, पैसा होवे, हमें रोजगार मिले, तो इन बच्चों को लेकर क्यों आना पड़े हम लोगों को सड़कों पर? लेकिन लोग लगता है धर्म के नशे में चूर हैं, क्योंकि वो लोग ये कह रहे हैं कि जो राम को लाया है हम उसको ही लाएंगे, उसे सब राम मंदिर ही चाहता है, राम के नाम के वोट लेनी पड़ता है, लेनी चाहता है, अहीं तो बोल रहे हैं कि मोदी को राम मंदिर में बैठ जाना चाहिए, राजगद्दी पर किसी पढ़े लिखे को, किसी अस्से शासक को बना चाहिए। असल सरकार चाहती है लोग सरकार से कुछ नहीं मांगे, ये सब कुछ तो देना सरकार ने होता है, पार्लियामेंट में ये फैसले होने हैं, किसानों को खुशी रखना है, मजदूरों को काम देना कि नहीं देना, तो मूर्ति क्या देगी? ये हम धर्म की राजनीति से बिल्कुल विरुद्ध हैं, जात की राजनीति के बिल्कुल हम एंटी हैं, ये लुटेरा राज प्रबंध धर्म की और जात की राजनीति खेड़ कर लुटेरा राज प्रबंध की उम्र बढ़ाना चाहते हैं, हम इसका सख्त सड़कों पर भी विरोध करेंगे और वोटों पर भी विरोध करेंगे। मोदी सरकार सीधे तौर पर देख सकते किस तरीके से मोदी सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, और अब दिखा बच्चों जो छोटा बच्चा जो है उसको लेके सड़कों में प्रदर्शन कर रहे हैं, कह रहे हैं कहाँ है रोजगार, क्योंकि हम तो रोजगार के लिए प्रदर्शन पर उतर आए हैं। इस पूरी वीडियो पे आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।